हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है क्रिसमस स्पेशल वनीला कपकेक्स की रेसिपी। आप ये देख सकते हैं कितने सुपर स्पॉन्जी और टेस्टी लग रहे हैं, खाने में भी सुपर यमी है। और इनको आप 15 से 20 मिनट्स के अंदर घर में बड़े ही आसान तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इट लुक्स सो टेस्टी एंड यमी एंड इट इज सुपर स्पॉन्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक मिक्सिंग बोल में हमने ये 5 से 6 चम्मच बटर मेल्ट करके लिया है और ये आधा कप मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है, पाउडर्ड शुगर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारी जो रेसिपी है वो बिना अंडे वाली है, तो हमें इसका क्रीमी टेक्सचर बनाना है। तो मैंने 1 गिलास दूध लिया है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। अभी मैंने 1/2 गिलास दूध डाल दिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मैंने 1/2 नींबू का रस डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा। अब पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने डाल दिया है, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अब ये 1 कप मैंने मैदा ली है, इसको मैं 2 बार में करके डालूंगी। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है और स्पेशली किड्स को तो बहुत ही पसंद आती है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस, थोड़ा सा मिल्क और डाल लेंगे क्योंकि हमारा जो बैटर है थोड़ा थिक लग रहा है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा कितना सुपर क्रीमी एकदम बैटर तैयार हो गया है। ये हमने कपकेक्स का मोल्ड लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें 6 कपकेक्स बनकर तैयार होंगे। इसमें हम पेपर लगा देंगे, बटर पेपर है, थोड़ा साइज में बड़ा है, थोड़ा छोटा भी हो सकता था। अब हम इसमें बैटर को पोर कर लेंगे। तब तक हम ओवन को प्री हीट कर रहे हैं 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। इस तरीके से हम सारा पोर कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको बेक करना है 15 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन मोड में। हमें फ्रेंड्स 1/2 ही इसको फिल करना है क्योंकि ये बेक होने के बाद ऊपर एकदम स्पॉन्जी हो जाता है और ऊपर तक उठ के आ जाता है जो हमारा कपकेक है। फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे कि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसको ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने वॉलनट और काजू लिए हैं, वॉलनट से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, आप भी घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हम इसको बेक कर लेते हैं। ये हमारे सुपर टेस्टी यमी स्पॉन्जी कपकेक्स तैयार हो चुके हैं। कितने यमी लग रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।